कनेक्शन लेने के बाद जब मैंने अपना कनेक्शन प्लम्बर के द्वारा करना शुरू किया, मैंने काम रुकवाने की कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप विधायक जी के ऑफिस आइए, असली कारण आपको वहां पता चलेगा कि आपका ये काम क्यों रुका है। आज तिमारपुर विधानसभा के आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का दफ्तर है, दिलीप जी का नहीं है, तो आप लोगों को कभी कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज की कोई समस्या हो, तो अंदर आप इस दफ्तर में जाके अपना काम करवा सकते हैं। और इन्होंने पूरी व्यवस्था जो की है वो बहुत शानदार है, इन्होंने पूरी सिस्टम बना दिए सारे। बात हद तो तब हो गई जब खुद दिलीप पांडे जी ने ये बोला कि मेरी तरफ से पैरवी दीपक शर्मा जी करें। इन्होंने सारे सिस्टम बना दिए और जो इंटरनेशनल संस्था है ISO करके, ISO 9000, और उन्होंने कहा है भाई हम इनको अपना सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं कि इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। दीपक शर्मा जी ने फिर ये बोला दिलीप पांडे जी के सामने कि चंदा चंदा सबसे बड़ी चीज है, ये परमिशन कोई वैल्यू नहीं करती आपकी, चंदा अगर देंगे तो आपका कनेक्शन होगा। आज तक इस तरह से पूरे देश में किसी भी MLA को उस संस्था ने सर्टिफिकेट नहीं दिया ISO वाला। जैसे ही मैंने हाथ खड़े किए तो दीपक शर्मा और निशान जी कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तू इस कानून की लड़ाई के अंतर चलते अपना कनेक्शन कैसे कर पाए। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। अभी हम आए हुए हैं इंदिरा विकास में, इंदिरा विकास के एक सज्जन हमारे साथ है जिनको कि अपने क्षेत्र में अपने घर के पास कोई समस्या आ रही है, उन्होंने हमें इस बारे में बताने के लिए बताया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनको क्या समस्या है। नाम जानना चाहूँगा पहले मैं तो। सर मेरा नाम अरविंद कौशिक है और मैं इंदिरा विकास कॉलोनी वार्ड नंबर 15 दिल्ली 9 मकान नंबर 16/6A में रहता हूँ। क्या समस्याएं आ रही हैं सर आपको? सर मेरी समस्या, मेरा सीवर कनेक्शन है। सर मेरा सीवर कनेक्शन पिछले 10 साल से एक चल रहा था जो अब आके जर्जर अवस्था में हो गया था। उस सीवर कनेक्शन को नया कनेक्शन करने के लिए मैंने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दी, उनसे प्रोसीजर पूछा, उन्होंने मुझे MCD के ऑफिस में भेजा कि आप जाके वहाँ से रोड कटिंग की फीस ले आइए, कटवा के ले आइए और यहाँ पे हम आपको परमिशन दे दें। तो मैं MCD के ऑफिस गया, वहाँ पे मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, अपनी हर चीज़ दिखाई, जिसके बाद उन्होंने सर्वे किया, नपाई की, उसके बाद उन्होंने मेरे को जो फीस बोली मैंने वो फीस कटवाई, जिसकी ये रसीद मेरे पास है फीस की। मैं उस रसीद को लेके वापस दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस आया, मैंने उनको एप्लीकेशन के साथ वो रसीद से लगन की, उन्होंने मुझे कम 15 दिन के बाद आने के लिए बोला और 15 दिन बाद मेरी 15/6/2021 को उन्होंने मुझे सीवर का कनेक्शन करने के लिए अपने घर के पास वाले मेन होल में कनेक्शन करने के लिए परमिशन दे दी। उसके बाद क्या समस्या आई कि जो आपको परेशान होना पड़ रहा है? उसके बाद असली समस्या उसके बाद शुरू होती है। मैं परमिशन लेने के बाद जब मैंने अपना कनेक्शन प्लम्बर के द्वारा करना शुरू किया तो वहाँ पे दीपक शर्मा, राकेश सन ऑफ ब्रह्म सिंह, बिमला वाइफ ऑफ ब्रह्म सिंह और संतलाल, ये लोग आए और इनके साथ कुछ महिलाएं आई जो अपने आप को स्थानीय विधायक के बिल्कुल खास बताते हैं, उन्होंने आके काम को रुकवा दिया। मैंने काम रुकवाने की कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप विधायक जी के ऑफिस आइए, असली कारण आपको वहाँ पता चलेगा कि आपका ये काम क्यों रुका है। मैंने उनको परमिशन दिखाई, मैंने उनको रसीद दिखाई, उन्होंने इसको बोला कि आप ये लेके सीधा ऑफिस आइए। मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ ही चलता हूँ ऑफिस। बोला नहीं, हम आपको जब फ़ोन करेंगे आप तब आइए। मैंने ठीक है जब आप फ़ोन करेंगे मैं तब आऊँगा। मैं उनका फ़ोन आया दोपहर को 1 से 1.5 बजे के आसपास कि आप ऑफिस आ जाइए, विधायक जी आपको बुला रहे हैं। निशांत जी का मेरे पास फोन कॉल आता है कि आप आइए और विधायक जी आपको बुला रहे हैं। मैं ऑफिस पहुंचा हूं तो वहां के निशांत जी, दीपक शर्मा जी और ये उपरोक्त जिनके मैंने नाम दिए, ये व्यक्ति एक टीम बना के वहां बैठे थे विधायक दिलीप पांडे जी के सामने।
मैंने वहाँ जाके बात की, मैंने कहा साहब मेरे ये, मैंने अपने कागजात दिखाए, मैंने कागजात दिखाने के बाद मैंने कहा सर विधायक जी ये मेरा कनेक्शन किस लिए रुकवाया गया, मेरा काम किस लिए रुकवाया गया आप बताइए। तो वहाँ पे दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति बोलना उन्होंने शुरू किया, तो मैंने कहा सर मैं आपके ऑफिस आया हूँ, आपने मुझे बुलवाया है, तो दीपक शर्मा किस लिए बोल रहा है? दीपक शर्मा कौन है? दीपक शर्मा अपने आप को दलीप पांडे जी का एडवाइजर बताता है। एडवाइजर बताता है? हाँ जी। तो वो इनके ऑफिस में ही बैठता है? वो इनके ऑफिस में बैठता है। उसके बाद हद तो तब हो गई जब खुद दलीप पांडे जी ने ये बोला कि मेरी तरफ से पैरवी दीपक शर्मा जी करें। तो क्या पैरवी करी उन्होंने, क्या कहा आपसे? उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी, मैंने कहा मेरी अगर मेरी कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी है या मैंने कोई गैर कानूनी दस्तावेज मैंने एकत्र किए हैं तो आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप मेरे कनेक्शन को या मेरे काम को बिल्कुल बंद करा सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, जितना मुझे डिपार्टमेंट से बोला गया मैंने सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बावजूद भी आप मेरा काम कर रुकवाने का अधिकार क्यों रखते हैं? वो ये कहते हैं, दीपक शर्मा जी ने फिर ये बोला दलीप पांडे जी के सामने कि चंदा, चंदा सबसे बड़ी चीज़ है, ये परमिशन कोई वैल्यू नहीं करती आपकी, चंदा अगर देंगे तो आपका कनेक्शन होगा वरना आप भूल जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, यहाँ का इस एरिए का राजा ये दलीप पांडे विधायक जी की तरफ इशारा करके बोला दीपक शर्मा ने कि यही व्यक्ति है राजा और जिस जो इन्होंने कह दिया वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो जब आप गए थे क्या कोई और भी बैठा था दीपक शर्मा के अलावा उस ऑफिस में? हाँ जी बिल्कुल, निशांत जी बैठे थे। निशांत जी ने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करी कि आप इनकी बात मान लीजिए, हम जब मैं बात मानने में असमर्थ, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया कि आप इनकी बात मानिए। मैंने कहा सर मैं बात मानने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं, मेरे को कानूनी तरीके से मैंने जो काम मेरे को बोला गया मैंने वो पूरा किया है, अगर मैं गैर कानूनी कोई काम करता तो शायद मैं 1% इस बारे में सोचता कि इनकी बात मानने के लिए बाध्य होता, पर मैंने जब कानून के सारा स्टेप फॉलो किया है उसके अंतर्गत मैंने हर चीज़ अपना काम पूरा करने के बाद मैं इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जी मैं बिल्कुल बात नहीं मानूंगा, मेरे को जहाँ मेरे को डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है मैं वहाँ अपना कनेक्शन करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैंने हाथ खड़े किए तो दीपक शर्मा और निशांत जी कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तू इस कानून की लड़ाई के अंतर चलते अपना कनेक्शन कैसे कर। उसके बाद क्या रहा जब आपको ये बात कही तो? उसके बाद उन्होंने जल बोर्ड के दो अधिकारी जेई अमित और एई साहब को उन्होंने फ़ोन करके वहाँ पे बुलवाया अपने ऑफिस के रूम में। उनसे आते ही मेरी परमिशन उनके सामने रखी मेरे हाथ से लेके, बोला ये परमिशन आपने दे कैसे दी? तो जेई अमित का कहना ये था कि सर परमिशन हम, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन देता है और कानून का पूरा पालन करता है तो हम परमिशन देने के लिए बाध्य हैं, हमारे को हमारा डिपार्टमेंट बाध्य करता है कि आपके पास अगर सारे कागजात पूरे हैं तो आप परमिशन रोक नहीं सकते। हमने उसी प्रोसीजर को फॉलो करके इनको परमिशन दी है। तो दलीप पांडे जी ने ये पूछा कि ठीक है कानून के अंतर्गत आपने इनको परमिशन दे दी, उसी कानून का हवाला देके कहा कि ये परमिशन रद्द कैसे हो सकती है? तो एई साहब का उस समय कहना था कि सर ये परमिशन रद्द किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती क्योंकि सर ये रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। तो फिर दलीप पांडे जी ने ये कहा कि अगर ये रिकॉर्ड में दर्ज हो गई तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होगी, फिर बात करते हैं, इतना इनको ऐसे ही लटकाए रखते हैं। तो उन्होंने कहा सर इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती क्योंकि इन्होंने डिपार्टमेंट में फीस जमा की, एक्सपायरी तभी होगी जब ये कनेक्शन कर लें। तो उसके बाद क्या चर्चा हुई फिर? इसके बाद कुछ कहा उन्होंने या उठ के आ गया? उसके बाद में वो उन्होंने मेरे पे फिर प्रेशर बनाया कि या तो तुम बात मान लो, अगर नहीं मानते हो तो बोलो अगर नहीं मानते हो तो आप परेशान रहोगे बहुत ज़्यादा और उस पर इतना परेशान रहोगे कि हम आपको, आप सपने में भी नहीं सोच सकते इस बात। जब आप वहाँ से उसके बाद उठ के आगे तो आगे क्या रहा, आपने डालने की कोशिश करी फिर सीवर में? नहीं, उसके बाद कोशिश करी तो उन्होंने आके फिर मेरा काम दोबारा रुकवा दिया।
जब मेरा काम उन्होंने दोबारा रुकवाया तो मैंने उसके बाद में एप्लीकेशन SHO साहब को 26 तारीख को SHO साहब, SDM साहब, चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी और DCP साहब अशोक विहार और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन विजय भगत जी को मैंने लिखित में शिकायत दी कि इन लोगों से मेरा बचाव किया जाए और मेरी समस्या का समाधान किया जाए। तो उसका कुछ समाधान निकला? उसका समाधान निकलने के अवेज में मेरे को लोकल MCD स्टाफ सफाई विभाग द्वारा और MCD मलेरिया विभाग द्वारा मेरे को लगातार हरास किया जा रहा, धमकियाँ मिल रही थी और धमकियों के साथ साथ मेरे को नोटिस दिए गए, मेरा चालान काटा गया गलत एड्रेस पे, एड्रेस भी ठीक नहीं डाला गया और चालान भी मेरा काटा गया, चालान मेरा 15,000 का काटा गया। जब मैं चालान को भुगतने के लिए गया 3 सितंबर को, तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद मैंने अपने सारे कागजात, एक बात बीच में समझ नहीं आई मेरे को, आप कह रहे हो गलत एड्रेस पे चालान काटा गया मेरा, तो फिर आप कैसे गए उसको भुगतने के लिए? मैं गलत एड्रेस मेरे हाथ में 3 तारीख का जब चालान उठा, मुझे नहीं पता 3 तारीख का चालान है, सुबह मॉर्निंग में एक व्यक्ति आया और मेरे से बात करा कि भाई तुम्हारा सीवर का कनेक्शन नहीं हो रहा है, आप ढका मजिस्ट्रेट के सामने चले जाइए और ये पर्ची साथ ले जाइए, नोटिस, ये नोटिस उन्होंने दिया है, इस नोटिस को आप साथ ले जाइए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाइए। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, जब वो आपकी बात सुनेंगे तो इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। तो मैंने वो नोटिस लिया और मैं मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट बाद तब वहाँ मुझे पता चला कि मेरा 15,000 का चालान कटा है। तो मैंने उसके जब चालान का मुझे जानकारी हुई, मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर किए कि 15,000 का चालान है, मैंने साहब आपने मुझे नहीं पता था, मुझे जानकारी नहीं कि ये 15,000 का चालान है या ये चालान कटा है, मुझे तो ये बताया गया कि आप तक मैं अपनी शिकायत कैसे पहुँचाऊँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो ये 15,000 का चालान मैं दोषी हूँ। मैंने उनको अपनी जो MCD डिपार्टमेंट से, दिल्ली जल बोर्ड से जो मैंने सीवर कनेक्शन गेट पर लिए परमिशन ली, मैंने वो कागजात दिखाए, मैंने जो एप्लीकेशन लगाई वो मैंने उनको सारी कागजात दिखाए, तो उन कागजात को देखने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि ये आपके साथ गलत हो रहा है। तो फिर क्या उन्होंने आपका चालान माफ़ कर दिया या क्या बात कही? उन्होंने मुझसे ये बोला कि बेटा ये आपका चालान 15,000 का है, ये चालान माफ़ नहीं हो सकता, पर हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि ये आपको कम से कम जो राशि है चालान की हमारे दंड संहिता में वो आपको देनी होगी। मैंने कहा सर आप जो करेंगे सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उन्होंने मेरे को 500 रुपये का चालान दिया कि आप 500 रुपये दीजिए, आगे निकट भविष्य में कभी चालान अगर आपके नाम से आता है या आपके इस, मैंने ये भी उनको संज्ञान में दिया कि सर ये 16/7 मेरा एड्रेस नहीं है, उसके बावजूद भी ये 16/7 का एड्रेस डाल के मेरे को नोटिस दिया गया और धोखे से मेरा चालान मेरे हाथ में दिया गया, यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरा चालान कटा है। तब मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि जिस इंस्पेक्टर, उस इंस्पेक्टर का नाम वीरेंद्र है जो सफाई विभाग के अंदर है, उसने धोखे से चालान काटा था, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आप यहाँ पे आइए और इस बात का जवाब दीजिए। 2 से 3 बजे तक मजिस्ट्रेट ने और मैंने दोनों, उन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे बोला कि आप बाहर वेट कर लीजिए, जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आते हैं तो उनसे कारण पूछेंगे ये गलत एड्रेस किस लिए है और ये चालान आपने काटा तो इनके हाथ में रिसीविंग क्यों नहीं थी, क्यों साइन नहीं लिए। पर वीरेंद्र जी नहीं आए, बहुत वेट करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे खुद अंदर बुला के बोला कि आप ये 500 रुपये भर दीजिए और आगे से अगर चालान आएगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये है दिल्ली के वो आम आदमी जिनको कि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार ये कहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल के नारे के साथ आई हुई आम आदमी पार्टी के राज में। और वो विधायक जो कि दिल्ली की मुख्य सचेतक हैं, आम आदमी पार्टी के कदवा नेता है, उनके राज में इनको उनके ऑफिस में जाके ये कहना पड़ गया कि चंदा दोगे तो आपका काम होगा, जो इनका कहना है। और दूसरी तरफ निगम पार्षदा पूजा मदान जो जिस पे कि BJP ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनको निकाल दिया, उन्होंने भी उसी टाइम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी MCD
वो दोनों मिलके इन सज्जन को कितना परेशान कर रहे हैं और इनके क्या हालात हैं, इनकी क्या डिमांड है, इस पे कौन कार्रवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के काल के नाम से जाने जाते हैं केजरीवाल, क्या वो इन उस बात को संज्ञान लेंगे, क्या इनके साथ इंसाफ होगा, क्या विधायक दिलीप पांडे जो मुख्य सचेतक हैं क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, या उनके ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ जिनका कि ये सज्जन सीधा सीधा नाम ले रहे हैं कि विधायक साहब के सामने बैठ के उन्होंने चंदा मांगा था मेरे से, तो क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी या दिल्ली में चंदे की राजनीति शुरू हो गई है, आपको सीवर लगवाना है, पानी डलवाना है, कोई पाइपलाइन डलवानी है, चंदा दो और काम कराओ।